सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन। आज का चिंतन ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं आत्म अभिमानी भव, एक बाप के श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो। साथ में बाप पूछ रहे हैं शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है। बाबा कह रहे हैं बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्व धर्मान परित्याज मामिकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। बाबा आज हम बच्चों को बहुत प्यारा सा गीत याद दिला रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना, यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है, भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं, कुत्ता बिल्ली पत्थर भीतर सबको भगवान मान लेते हैं। ये भी कहते हैं मेरे में तेरे में सब में। और खुद को भी भगवान समझते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक है। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है, पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था, ये कौन समझाते हैं। वही परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, भारत को सुख घनेरे थे अब नहीं है, अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक है, इसमें राजा रानी साधु संन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर, निर्विकारी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब शिवाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मनिश्चय कर। बाप ही आकर राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वो है देवी गुण वाला मनुष्य। सत्यु का प्रिंस था कौन, श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़े हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान का नाम रूप न्यारा, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। इसी को कहा जाता है धर्म ग्लानि।
कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो किसने स्थापना किया? कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सच खंड, देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूं। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूं बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूं। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी है नहीं, ब्राह्मणों का है। सबसे ऊंच कुल ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल है। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक बाप को ही कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज, माना सब धर्म को भूल एक बाप को याद करो। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्मा है वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्रवंशी से ब्राह्मण बने हो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना कर, मतलब परमात्मा जो कर रहे हैं उसमें मददगार बनना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा
सौ और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास, इसीलिए अभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, सदा सो सेवा औरों की सेवा साथ साथ करो। जो सो सेवा छोड़कर मना सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों का बैलेंस रखा, आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक वार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो, विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ज्ञानयुक्त रहम दिल बन तो कमजोरियां दिल से बेराग आएगा। ज्ञानयुक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का बैराग आएगा। तो आज की मुरली को गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।